गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया था पॉलिटिकल साइंस के ग्रेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी के पेपर के बारे में चर्चा किया था। उसमें हम लोगों ने 2019 का पेपर देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल साइंस पेपर दैट वाज आस्क्ड इन 2013। 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी चर्चा करेंगे। और ये थोड़ा सा पुराना है बट मिल गया है, तो निश्चित तौर से इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ओके, क्योंकि पॉलिटिकल थाट्स या थिंकिंग तो बदल नहीं गया है, तो उसमें ही से हम लोग चर्चा करेंगे 2013 में। 2013 में अगेन चर्चा करेंगे पार्ट ए में हमने चर्चा किया था आपको कितना क्वेश्चन करना है। पहले जो था वो कभी 12 क्वेश्चन होते थे, ज़्यादा करने होते थे, बट अब तो 10 क्वेश्चन करना होता है। तो हम क्राइटेरिया वही लेके चलेंगे वर्तमान का, ठीक है। पार्ट वन में 10 क्वेश्चंस 75 वर्ड्स और ईच क्वेश्चन जो होगा आपका 12 मार्क्स का होगा एंड टोटल मार्क्स विल बी 120। ओके, ये आपका पार्ट वन की चर्चा कर रहे हैं। पार्ट वन में 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। पहला था कार्ल पॉपर का राजनीतिक सिद्धांत में योगदान क्वेश्चन नंबर टू। दूसरा आपका है यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तीसरा क्वेश्चन है हीगल का नागरिक समाज थ्योरी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ हीगल की अवधारणा बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपका आया था यूनिटी ऑफ पीस रेजोल्यूशन, शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या है, इस पे बताना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था तुलनात्मक राजनीतिक विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक, थोड़ा इधर लिखेंगे नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6-7 और थोड़ा सा पास से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6-7-8-9-10। ठीक, छठा क्वेश्चन आया था वालर स्टीन का व्यवस्था सिद्धांत सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ वालर स्टीन। अगला क्वेश्चन था राजनीतिक विकास के अभिकर्ताओं से क्या समझते हैं उसके एजेंट्स से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला है आपका उत्तर प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। उत्तर प्रत्यक्षवादी सिद्धांत से क्या समझते हैं, क्या अवधारणा बताइए। ठीक, और अगला हुआ है आपका संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन क्या है, और एक क्वेश्चन और आया हुआ है वह है आपका मूल समानता का सिद्धांत क्या है। मूल समानता का सिद्धांत, मूल समानता का सिद्धांत क्या है, सब्सटेंशियल इक्वलिटी। ठीक है, इसी में एक और आया था जोसेफ नाई की शक्ति की अवधारणा। जोसेफ नाई की शक्ति की अवधारणा, तो पहले 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक आते थे, अब 10 आए तो 10 के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला है पार्ट बी में वर्तमान समय में आपको करना है 2 क्वेश्चंस, 150 शब्द का होगा, यहाँ पर 175 शब्द का होगा, और इसका मार्क्स होगा आपका 20 मार्क्स, मतलब टोटल हो जाएगा 40 नंबर का। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 40 मार्क्स। ओके, इसमें आपको जो क्वेश्चन आए हुए थे ये उसको थोड़ा सा आपको आइडियोलॉजी विकसित हो जाएगी, वो है इंडिया यूएस रिलेशनशिप। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला इंडिया यूएस रिलेशनशिप, भारत अमेरिका संबंध के बारे में बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आया था नौकरशाही से क्या समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही से क्या समझते हैं, और अगला क्वेश्चन आया था दोहा वार्ता और टिप्पणी लिखिए, और पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। पार्ट 3 मतलब पार्ट 3 आपका ये पार्ट 3 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन करना है 400 वर्ड में, 1 क्वेश्चन 400 वर्ड्स, ये होगा 40 मार्क्स का एंड टोटल भी होगा 40 मार्क्स, बराबर कर दीजिए टोटल भी हो जाएगा 40 मार्क्स। 40 नंबर का ये आपका, और 120 का ये 40 80 120 बराबर हो जाएगा आपका 200 का। ठीक, और 100 नंबर का फर्स्ट पेपर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट पेपर आपका टोटल हो जाएगा 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, जो 2 भागों में होगा, 25 होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 25 होगा आपके सब्जेक्ट से। ठीक, ये आपका है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कौन रहा था, न्याय पर विभिन्न सिद्धांतकारों के विचार, न्याय पर विभिन्न सिद्धांतकारों करो
के विचारों की विवेचना कीजिए। ये आपका लांगन से टाइप क्वेश्चन था, ये हो गया। और दो क्वेश्चन कोई और इससे रिलेटेड आया होगा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो एक क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था। आपको कम से कम एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा और एक बेसिक आपका आइडियोलॉजी, एक बेसिक एंटीसिपेशन हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।